स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म है जो कुछ एक रिएक्शंस में होती है, रेयर रिएक्शंस में, जहां आपका लिविंग ग्रुप तो बहुत पुअर होता है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता है और जो कार्बन आयन बनता है आपका वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसके पर अटैच होते हैं। तो ये जो इथॉक्साइड आयन है आपका, ये इस पर अटैक करता है प्रोटॉन पर, प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है, ये स्टेप आपका फास्ट होता है और उसके बाद जो फ्लोराइड आयन है वो आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है, और एल्कीन बन जाती है। तो इसमें जो है ये आपका इन्होंने सिंपल आइडिया दे दिया, ठीक है। तो इसमें कार्बन आयन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट थर्ड, ठीक है। अब इसका मान लो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, और यहां पर जो रेट कांस्टेंट वो K1 आप मान लेते हैं। तो आप यदि रेट को देखें तो R इज इक्वल टू, इसको आपने CB का नाम दिया है, ठीक है, कार्बन आयन को CB का नाम दिया, तो ये क्या बनेगा आपका K1CB, ठीक है। लेकिन कार्बन आयन क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को तो लिखते नहीं हम, और यदि आप इस पर K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लगाए तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये जो है इथॉक्साइड आयन आपका बेस है, ठीक है, तो बेस प्रोडक्ट्स में आपका आ जाएगा CB कार्बन आयन है, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट A और ये B नेगेटिव, तो CB की वैल्यू आप यहां पर पुट करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 K इक्विलिब्रियम और आपका जो है A और ये B बेस आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू इसकी जगह इन दोनों जगह एक नया कांस्टेंट 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 होता है तो के रख दिया और ये आपका आ गया सबस्ट्रेट इनटू हमने ये बेस रख दिया। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इसको हम नाम क्या दिया इस मैकेनिज्म को, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर आपकी टू होती है, पहली बार तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट्स को लिख नहीं सकते और जो रेट डिटरमाइन स्टेप है उसमें आपका केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है कार्बन आयन, तो इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ई आपका और जो है E1 मतलब एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर विद कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा, प्रोटॉन एक माइनस कर दिया, तो ये इसकी एक जनरल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो इसके हम दो एक इलस्ट्रेशन लेंगे उसके बाद डिस्टिंक्शन फ्रॉम, तो ये एक और आपका E1cb मैकेनिज्म का एग्जांपल है, ठीक है, ये इथॉक्साइड आयन इस पर अटैक करता है, ठीक है, ये लॉन्ग पेयर कार्बन के पास आ जाता है जिसकी वजह से कार्बन नेगेटिव आयन बना लेता है और ये क्लोरीन जो है ये माइनस और ये फ्लोरीन भी शो करते हैं, ठीक है। तो दिस कार्बन आयन इज स्टेबल, ड्यू टू माइनस आई आई ग्रुप्स, ठीक है, कई सारे माइनस आई ग्रुप है इसमें, सॉरी, ठीक है, कोई तो फर्क नहीं इसमें, एंड पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है, उसमें स्टेबल होता है, उसके बाद एक फ्लोराइड आयन आपका और निकल जाता है, ठीक है, प्लस एफ नेगेटिव के रूप में और ये आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका E1cb मैकेनिज्म के माध्यम से हो रहा है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप आपके बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है और वहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है जो इसको आपके कार्बन आयन को स्टेबल बना देते हैं, ठीक है। तो इस इलस्ट्रेशन को आप सबसे पहले कॉपी करिएगा और इसमें आपका जो इथॉक्साइड आयन है
वो इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन आपका रिमूव करने के बाद जो है एक कार्बन आयन बनता है और इसमें आपने ये ड्यूटेरियो एल्कोहल का यूज करा, हाइड्रोजन का जो ये है आइसोटोप। ठीक है, E2 मैकेनिज्म में यदि आप ये E1 में इसको डालें तो ये प्रोडक्ट में कहीं भी ड्यूटेरियम नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये D जो है पॉजिटिव के रूप में होगा, तो इथेनॉल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपका नेगेटिव के पास जा सकता है, जाकर इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के कुछ ही कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड ने आगे फिर इथॉक्साइड के साथ जो है दूसरे हाइड्रोजन की रिमूवल करी और आपका फिर कार्बन आयन सेकंड बनाया, ठीक है। ये कार्बन आयन फर्स्ट मान लो आप, दिस इज कार्बन आयन सेकंड, और फिर इसमें से फ्लोराइड लिविंग ग्रुप के रूप में रिमूव हुआ और ये आपका प्रोडक्ट बना। तो यहां पे जो NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं आर इफेक्ट वगैरह से, और F जो है आपका ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इनकी वजह से ये जो कार्बन आयन है ये आपके दोनों स्टेबल होता है, स्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। ये कार्बन आयन भी स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो आपका E1cb मैकेनिज्म की खास करेक्टरिस्टिक है कि भाई ये आपका इसमें यदि आप ड्यूटेरियम का कंपाउंड यूज करते हैं जैसे ये इथेनॉल में, ठीक है, लेवर्ड, तो ये इसमें इनकॉर्पोरेट। तो ये आपका क्वेश्चन जेई में आया था 2006 में, उसको वीडियो स्टॉप करके पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर समझ नहीं आए तो सॉल्यूशन देखेगा। तो आपको हमने ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन बताई, E1 बताई, E2 बताई, E1cb बताई, वो इस क्वेश्चन के लिए बताई, ठीक है। नॉर्मली मतलब बच्चों का एक डाउट रहता है कि इतना पढ़ाते नहीं हो रहे केमिस्ट्री ये वो सब चीजें इन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आने आपके एग्जाम में और ये क्वेश्चन ही आपको आगे सब्जेक्ट सीखने में मदद करेंगे, और ये सब चीजें मतलब जो भी आप पढ़ेंगे आगे उसमें अप्लाई करेंगे लॉजिकल एबिलिटीज को अपनी, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो मेनली IIT एंट्रेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उतने लेवल की बातें करेंगे, उससे ज्यादा ऊपर की नहीं करेंगे मतलब, ठीक है। अगर बच्चों को लगता है बहुत फालतू की बातें हो रही है तो उनसे बचे, ठीक। तो इसका आंसर क्या क्या है, ठीक है। तो जो E1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगी होगी, ठीक है ना, E2 और E1cb फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, कुछ जगह E1cb को फर्स्ट ऑर्डर दे रखा होगा कहीं, यदि आप सॉल्यूशन देखें तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हाँ आप यूनिमॉलिकुलर तो कह सकते हैं लेकिन ऑर्डर वन नहीं हो सकते, ऑर्डर टू, ठीक है, सही रीजन है। तो आपका ये जो रिएक्शन है ये E1 हो रही है, E2 हो रही है, कैसे समझेंगे E1cb, तो इसमें ड्यूटेरियम भी है, क्या ओपिनियन है आपकी। तो इसमें क्या है कि आपका देखिए प्राइमरी एक तो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो और ड्यूटेरियम बाहर से एक्सचेंज नहीं हो रहा ऑलरेडी है, तो प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड है वो आपकी E2 रिएक्शन लेता है, कार्बन कैटायन इसका बनेगा नहीं आसानी से स्टेबल, तो इसके लिए आंसर है आपका क्यू। और यहां पर आपका ये प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं शो कर रहा, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये आपकी E1 है, इवन है, तो यानी कि इसके ऑप्शन होंगे पी एंड एस, ठीक है, ये इसके। उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट करने पर ये आ रहा ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेट हो रहा, यानी कि इसका आंसर आर है, और ये जो प्राइमरी हैलाइड इससे